वेलकम डियर रॉकर्ट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक सच्ची घटना पे आधारित मूवी जो कि एक सस्पेंस थ्रिलर है और इसका नाम है ओडेला रेलवे स्टेशन। मूवी की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसके हाथ में चाय के कुछ ग्लासेस हैं और वो रेलवे लाइन को क्रॉस कर रहा है। अचानक उसको एक औरत दिखाई देती है जिसके हाथ में एक आदमी का कटा हुआ सर है और ये दृश्य बहुत ही डरावना लगता है। उस औरत को देखने के बाद बच्चे के हाथ से चाय के ग्लासेस छूट जाते हैं और वो वहां से भाग जाता है। फिर वो औरत उस कटे हुए सर को लेकर पुलिस स्टेशन में जाती है और इंस्पेक्टर के टेबल पर उस सर को रख देती है। इंस्पेक्टर औरत से डरते हुए पूछता है कि बॉडी कहाँ है, और फिर हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पर बॉडी है और आईपीएस अनुदीप जो कि कहानी का लीड एक्टर है और इस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी, वो वहाँ इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। और यहाँ अनुदीप अपनी स्टोरी बताते हुए कहता है कि मैंने आईएएस की जगह आईपीएस चूज किया क्योंकि मुझे ऑफिस पेपर में साइन करने के बजाय डिपार्टमेंट में अपनी अलग ही छाप छोड़नी थी और मैं इस गाँव में 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए आया था। उसके बाद हमें 3 महीने पहले की कहानी दिखाई जाती है जहाँ अनुदीप अपनी गर्लफ्रेंड स्फूर्ति से बात कर रहा होता है। स्फूर्ति अनुदीप से कहती है मैं अपना सामान पैक कर रही हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ, लेकिन अनुदीप उसको मना कर देता है। वो कहता है मैं किसी हॉलीडे पर नहीं जा रहा हूँ। तब स्फूर्ति उससे पूछती है कि तुम किस जगह जा रहे हो, उसका नाम क्या है। अनुदीप बताता है कि उस जगह का नाम ओडेला है। सीन यहीं से कट होता है और हम ओडेला गांव में एक नवविवाहित कपल को देखते हैं जिसकी एक रात पहले ही शादी हुई है और उस कपल में आदमी का नाम वेंकटेश है और दूसरी तरफ लड़की का नाम है मधु। इस गांव में एक और जोड़े को दिखाते हैं जिसमें पति का नाम है तिरुपति और पत्नी का नाम है राधा। राधा तिरुपति को पीट रही होती है क्योंकि तिरुपति राधा से झूठ बोलता है और शराब बहुत ज्यादा ही पीता है। फिर उस गांव के सरपंच अपने कपड़े इस्त्री करवाने के लिए राधा के घर पर आते हैं और यहाँ में समझ आता है कि राधा और तिरुपति दूसरों के गंदे कपड़े साफ करते हैं और फिर उनको इस्त्री भी करते हैं। सरपंच राधा से पूछते हैं कि तुम इसे क्यों मार रही हो। राधा कहती है कि ये डेली शराब पीकर आता है और मुझसे झूठ बोलता है। अब सरपंच तिरुपति को समझाते हैं कि इतनी शराब मत पिया करो और ये कहकर वहां से चला जाते हैं। अगले सीन में हम विवेक को देखते हैं जो मधु का लवर है। वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा होता है। उसके दोस्त उसे कहते हैं कि अगर तुमने हमारी बात मानी होती तो आज मधु तुम्हारी होती, ना कि उस वेंकटेश की। विवेक अपने दोस्तों की बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने मन में एक खतरनाक प्लान बनाता है। अगले दिन कोई मधु का रेप करके उसको मार डालता है। अनुदीप उस लोकेशन पर पहुंचता है जहां मधु की डेड बॉडी मिली है और इन्वेस्टिगेट करने लगता है कि हुआ क्या है। गांव के सरपंच भी वहां पर आ जाते हैं और अनुदीप से बोलते हैं कि यहां लोग बड़े सीधे साधे लोग हैं और ऐसी घटना पहली बार हमारे गांव में घटी है। अब अनुदीप वेंकटेश और उसके फादर को पकड़ कर लाने का ऑर्डर देता है। फिर अनुदीप के पूछने पर वेंकटेश बताता है कि सबके पीछे मुझे लगता है विवेक का हाथ है क्योंकि उसने मेरे और मधु के एंगेजमेंट से पहले मुझे धमकी दी थी कि वो मुझे जान से मार देगा। वेंकटेश की बात को सुनकर अनुदीप विवेक को पुलिस रिमांड पर लेके आता है और उससे इन्वेस्टिगेट करने लगता है। वहाँ के इंस्पेक्टर विवेक को खूब टॉर्चर करते हैं और उसे मारते पीटते भी हैं। टॉर्चर से बचने के लिए विवेक अपना गुनाह कबूल कर लेता है, लेकिन जब इंस्पेक्टर उसे कोर्ट ले जाने के लिए बोलते हैं तो विवेक अनुदीप के पास जाता है और उसे बोलता है कि सर मैंने कोई मर्डर नहीं किया, मैं तो मधु से प्यार करता था और मैं उसे क्यों मारूंगा। फिर अनुदीप अपने हाथ में रखी बोतल को विवेक की तरफ फेंकता है और विवेक अपने लेफ्ट हैंड से उस बोतल को कैच कर लेता है। ये देखकर वो विवेक को छोड़ने का ऑर्डर दे देता है। तभी वहाँ पर एक इंस्पेक्टर अनुदीप पर गुस्सा होते हुए कहता है कि इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन आप इसको छोड़ क्यों रहे हो। तब अनुदीप इंस्पेक्टर को बताता है कि विवेक बेकसूर है क्योंकि जो निशान मधु की डेड बॉडी पर मिले हैं वो किसी के राइट हैंड के हैं, लेकिन विवेक तो लेफ्ट ही है। साथ ही साथ हमको जो फुटप्रिंट्स के निशान मिले हैं वो विवेक के फुटप्रिंट से काफी बड़े हैं और फोरेंसिक रिपोर्ट से हमें ये भी पता चला है कि रेप के दौरान जो सीमन मधु की बॉडी के अंदर गया वो किसी 25 से 30 साल के आदमी का है और विवेक तो अभी अपने 20s में है। ये सुनकर सारे पुलिस वाले अनुदीप से काफी इंप्रेस होते हैं और फिर अनुदीप विवेक को छोड़ देता है। उसके बाद इंस्पेक्टर को एक कॉल आती है और फिर इंस्पेक्टर अनुदीप को बताता है कि गांव में एक और लड़की का मर्डर हुआ है। इसके बाद तुरंत अनुदीप इंस्पेक्टर और अपने कुछ साथियों के साथ उस घटनास्थल पर पहुंचता है। अनुदीप को वहां खड़े लोगों से ये पता चलता है कि इस लड़की के साथ भी पहले रेप हुआ और फिर इसे भी मार दिया गया और इसकी शादी भी एक रात पहले हुई थी। अब अनुदीप हैरान हो जाता है कि कौन है जो शादी के तुरंत बाद लड़कियों को किडनैप कर रहा है और उनका रेप करके मर्डर कर रहा है। अब रात को अनुदीप स्फूर्ति से बात करता है और उसको सारी बातें बताता है। तब स्फूर्ति उसे कहती है कि क्या तुम्हें कोई क्ल्यू मिला। ये सुनकर अनुदीप भागा भागा उस जगह पर वापस जाता है जहाँ पे मर्डर हुआ था। वो वहाँ पर कुछ ढूंढने लगता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको वहाँ एक मोबाइल फोन मिलता है जो उस लड़की का है जिसका रेप हुआ है। अब अनुदीप उसको लेकर पुलिस स्टेशन आ जाता है जहाँ फोन की बैटरी डाउन होने की वजह से वो स्टार्ट नहीं होता, इसलिए अनुदीप फोन को चार्ज करके फोन ऑन करता है और चेक करने लगता है कि इसमें क्या क्या चीज है। तभी फोन की गैलरी में उसको एक वीडियो मिलती है जिसमें खूनी की आवाज रिकॉर्ड हुई है। अनुदीप उन आवाजों को सुनकर एक अंदाज से ये समझने की कोशिश करता है कि घटनास्थल पर क्या हुआ होगा। और फिर इसके बाद पुलिस वाले गांव के लोगों को ये वॉइस नोट सुनाकर सवाल पूछती है कि किसी ने ये आवाज पहचानी, क्योंकि ये आवाज तुम्हें से किसी एक की हो सकती है।
लेकिन सभी गांव वाले ना में जवाब देते हैं। और फिर इसके बाद पुलिस राधा के घर पर जाती है और उससे भी ये वॉइस नोट सुनाकर सवाल जवाब करती है। तभी तिरुपति बोलता है कि ये आवाज तो जानी पहचानी है। वो इतना कह ही रहा होता है कि तभी तिरुपति का भाई चंदू ये वॉइस नोट सुनकर डर जाता है। और यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि चंदू ने ही उन दोनों का खून किया है। अगले दिन पुलिस चंदू के एक दोस्त को पकड़ लेती है क्योंकि चंदू का दोस्त भी उसी गांव का है और सारे लोगों के साथ साथ वो भी अनुदीप के शक के दायरे में था। अब इंस्पेक्टर उसे अपनी वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए बोलता है और चंदू का दोस्त वैसा ही करता है। फिर रिकॉर्डिंग करने के बाद वो उस आवाज को उस वॉइस नोट से मैच करता है लेकिन उसकी वॉइस मैच नहीं होती। और फिर चंदू के दोस्त का लॉयर उसे पुलिस से छुड़ाकर वहां से लेके चला जाता है। अब एक दिन सरपंच अपनी बेटी की शादी का कार्ड लेकर पुलिस स्टेशन आता है लेकिन अनुदीप सरपंच से कहता है कि आप अपनी बेटी की शादी पोस्टपोन कर दीजिए। सरपंच उसकी बात को मजाक में लेता है लेकिन अनुदीप उसको फिर कहता है कि गांव की हालत जिस तरह की है आपको अपनी बेटी की शादी पोस्टपोन कर देनी चाहिए। लेकिन इस बार सरपंच अनुदीप की बात को सुनकर गुस्से से बोलता है कि मेरी बेटी सबके जैसे नहीं है, मेरे घर की तरफ किसी की नजर उठा के देखने की हिम्मत नहीं है। अनुदीप उसको समझाने की फिर कोशिश करता है लेकिन सरपंच उसकी बात ही नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। और अब सरपंच की बेटी की शादी वाले दिन चंदू का दोस्त सरपंच की बेटी की फोटो लेता है और ऐसा लगता है जैसे उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। इधर अनुदीप कुछ पुलिस वालों को सरपंच के घर के बाहर तैनात करता है और उनसे बोलता है तुम सब चौकन्ने रहना, वो किलर कहीं आसपास ही है। अब अगली सुबह सरपंच की बेटी अपने किसी सहेली को छोड़ने ओडिला रेलवे स्टेशन पर जाती है। वो पुलिस वाले जो वहां पर तैनात थे वो भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। सरपंच की बेटी और उसकी सहेली रेलवे स्टेशन के एक बेंच पर बैठे हुए हैं और सामने पुलिस वाले एक चाय की दुकान से उनको ट्रेस कर रहे हैं। तभी एक ट्रेन आती है और ट्रेन के जाने के बाद पुलिस वाले देखते हैं कि सरपंच की बेटी गायब है और उसकी सहेली जमीन पर पड़ी हुई है। वो पुलिस वाले तुरंत अनुदीप को कॉल करके बताते हैं। अब अनुदीप ये बात सुनकर वहाँ भागा भागा आता है और किलर को खोजने लगता है। तभी उसकी नजर उन झाड़ियों में पड़ती है जहाँ सरपंच की बेटी की डेड बॉडी पड़ी होती है और वो किलर भी वहीं कहीं छुपा होता है। तभी वो किलर उन पुलिस वालों को घायल करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन पीछे से अनुदीप उस किलर पे एक पत्थर चला देता है जिसके बाद वो किलर जख्मी होता है। और फिर सब उसको पकड़ कर पुलिस स्टेशन लेके आते हैं। ये किलर कोई और नहीं बल्कि चंदू है। अब पुलिस स्टेशन में चंदू को खूब टॉर्चर किया जाता है। चंदू के पकड़े जाने की खबर सुनकर राधा और त्रिपति को शौक लगता है। अब सरपंच चंदू को ले जाने के लिए पुलिस स्टेशन आता है। उस समय अनुदीप वहां पर नहीं होता और सरपंच इंस्पेक्टर से कहता है कि इस चंदू को तुम मेरे हवाले कर दो, इसको मैं देख लूंगा और इसके बदले में मैं तुमको 10 लाख रुपए दे रहा हूँ। ये सुनते इंस्पेक्टर मान जाता है और सरपंच चंदू को लेकर वहां से निकलता है। अनुदीप जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो उसको पता चलता है चंदू तो गायब है। थोड़ी देर बाद उसको ये भी पता चलता है कि उस इंस्पेक्टर ने सरपंच के हाथ में चंदू को सौंप दिया। अनुदीप इंस्पेक्टर से कहता है कि ये जॉब मैंने अपने पैशन के लिए ज्वाइन किया है ना कि पैसों के लिए। थोड़े से पैसों के लिए तुमने चंदू को सरपंच को क्यों सौंप दिया? इंस्पेक्टर जवाब देते हुए कहता है कि मुझे अपनी बेटी को पढ़ाना है, उसकी शादी भी करनी है, इसके लिए पैसे लगेंगे, पैशन नहीं। और हमें पुलिस की ड्यूटी करने के लिए उतने पैसे कहां दिए जाते हैं? अनुदीप इंस्पेक्टर से कहता है कि मैं तुम्हारी शिकायत अब SP से करूंगा। लेकिन इंस्पेक्टर को जैसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो अनुदीप को ये जवाब देता है कि SP से मैं खुद जाकर बात कर लूंगा। अब दिखाते हैं तिरुपति और राधा को जो पुलिस स्टेशन आते हैं और अनुदीप से रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम चंदू को छोड़ दो क्योंकि चंदू ने कोई क्राइम नहीं किया है। लेकिन अनुदीप उनसे कहता है कि चंदू को अब कोई नहीं बचा सकता क्योंकि इंस्पेक्टर ने उसे सरपंच को सौंप दिया है। इसके बाद तिरुपति और राधा सरपंच के पास जाते हैं जहां वो उनसे चंदू की जान की भीख मांगते हैं लेकिन सरपंच राधा को बुरी नीयत से हाथ लगाता है। ये देखकर त्रिपति को बहुत गुस्सा आता है और सरपंच को धमकाने लगता है कि ऐसा मत करो। तभी सरपंच त्रिपति से कहता है कि तुम्हारी बीवी के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, तुम तो इतना गुस्सा हो गए, लेकिन इस चंदू ने, इसने तो मेरी फूल जैसी बेटी के साथ रेप किया और फिर उसे भेरे में से मार डाला, तो अब तुम लोग ही बोलो मैं क्या करूं। फिर सरपंच त्रिपति और राधा से कहते हैं कि इस चंदू को बचाना तो नामुमकिन है, अच्छा होगा कि तुम लोग यहां से चले जाओ। और इसके बाद त्रिपति और राधा बहुत से सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाते हैं लेकिन उन्हें कहीं मदद नहीं मिलती। और अब अनुदीप सरपंच को फोन करता है और बोलता है चंदू बेकसूर है, उसे छोड़ दीजिए, हमें कोई गलतफहमी हुई है और हमने गलती से किलर के बजाय चंदू को पकड़ लिया। ये सुनकर सरपंच चंदू को लेकर राधा के घर जाता है और उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। कहता है कि जब तक चंदू ठीक ना हो जाता इसके सारे पैसे मैं ही दूंगा क्योंकि सरपंच ने चंदू को बहुत बुरी तरह से पीटा हुआ है। लेकिन राधा उसे मना कर देती है और बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम गरीब जरूर हैं लेकिन गलत नहीं। ये सुनकर सरपंच अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा होता है और फिर अपने घर वापस लौट आता है। अगले सीन में अनुदीप स्फूर्ति से बात कर रहा होता है। तभी स्फूर्ति अनुदीप से कहती है कि चलो हम साथ में इन्वेस्टिगेट करते हैं। अनुदीप हैरान हो जाता है और उससे बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। स्फूर्ति अनुदीप से कहती है कि हम शादी कर लेते हैं और किलर हमारी शादी के बाद मेरी तलाश में मेरे पीछे आएगा और फिर हम उसको पकड़ लेंगे। अनुदीप उसकी इस बात से बिल्कुल इनकार कर देता है क्योंकि वो स्फूर्ति की जान जोखिम में नहीं डाल सकता। लेकिन स्फूर्ति के बार बार कहने पर फिर वो शादी के लिए मान ही जाता है।
और अगले दिन अनुदीप मीडिया में ये अनाउंस करता है कि मैं 3 दिनों में यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ शादी करूंगा। और फिर वो किलर को चैलेंज करता है कि अगर तुम में हिम्मत है तो तुम स्फूर्ति जो मेरी होने वाली वाइफ है उसको कुछ करके बताओ। अगले दिन अनुदीप और स्फूर्ति मंदिर में शादी कर लेते हैं। और जब अनुदीप और स्फूर्ति अनुदीप के घर पर आते हैं, वो देखते हैं कि उनके गेट पे एक लेटर रखा हुआ है। अनुदीप जब उस लेटर को देखता है तब उसको पता चलता है कि किलर ने उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। इसके बाद रात में हम तिरुपति चंदू और उसके दोस्त को साथ में शराब पीते हुए देखते हैं, जहाँ चंदू का दोस्त स्फूर्ति की खूबसूरती की तारीफ करता है। और यहाँ में ऐसा लगता है कि जैसे कि इन सब के दिमाग में कुछ शैतानी चल रही है। अब इधर जब राधा अपने घर पे सो रही होती है, तभी ऊपर के रैक में रखी हुई एक पेटी उसके सामने जमीन पे गिरती है। और राधा जब उस पेटी को खोलती है तो उसमें लड़कियों के अंडरगारमेंट्स और गहने मिलते हैं। उन गहनों में सरपंच की बेटी की एक रिंग भी होती है, जिसे राधा पहचान लेती है। और वो सभी गहने लेकर फिर सरपंच के पास जाती है। सरपंच भी उस रिंग को देखकर कहता है कि हाँ, ये मेरी बेटी की रिंग है। ये सुनने के बाद तो मानो जैसे राधा को झटका लगता है और वो सरपंच से बिना कुछ कहे वहां से चली आती है। ऐसे ही धीरे धीरे जितने भी मर्डर हुए हैं उन सभी के घर वालों के पास राधा जाकर उन गहनों को दिखाती है। और फिर वो सभी कहते हैं कि हाँ, ये गहने हमारी बेटी के ही हैं। अब राधा को सब कुछ समझ में आ गया कि हुआ क्या है। इधर अनुदीप के गंदे कपड़ों को ले जाने के लिए तिरुपति उसके घर पर आता है और अनुदीप उसको अपने घर में आने की परमिशन दे देता है। फिर तिरुपति सारे कपड़े लेकर चला भी जाता है, लेकिन तभी राधा अनुदीप को कॉल करके सारी बात बता देती है और कहती है कि इन लड़कियों का खूनी और कोई नहीं, मेरा पति तिरुपति है। ये सुनने के बाद अनुदीप स्फूर्ति को देखने के लिए उसके कमरे में जाता है, लेकिन स्फूर्ति वहां पर नहीं होती। और अब अनुदीप को सारी बातें समझ आ जाती हैं कि तिरुपति किलर है, उसने ही स्फूर्ति को किडनैप किया है। राधा तिरुपति को खोजने अपने घर वापस आती है, लेकिन तिरुपति वहां भी नहीं होता। तो राधा उसके कपड़ों को अपने कुत्ते को सुंघाती है और फिर उसके कुत्ते की मदद से तिरुपति तक पहुंच जाती है। वो कुत्ता राधा को एक कुएं के पास लेकर जाता है, जहां राधा देखती है कि तिरुपति स्फूर्ति के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। वो तिरुपति से जाकर पूछती है कि मैंने ऐसी कौन सी कमी कर दी थी जो तुम इस हद तक गिर गए हो। तिरुपति उससे कहता है कि इस सब की गुनाहों की वजह तुम हो। और फिर वो उसे अपने और राधा के रिलेशन के बारे में बताता है, जो कि एक नॉर्मल पति पत्नी जैसा होता ही नहीं। दरअसल वो दोनों एक दूसरे से बहुत अलग सोते थे और उनके बीच कभी भी पति पत्नी जैसा रिश्ता बना ही नहीं, और इसलिए तिरुपति ने ऐसा काम किया। इसके बाद राधा तिरुपति को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन तिरुपति राधा के सामने पड़ी एक लकड़ी से वार कर देता है और राधा वहीं जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद तिरुपति स्फूर्ति के साथ फिर जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन राधा सामने पड़ी एक हथियार उठाकर तिरुपति का गला ही काट देती है। और इसके बाद हमें मूवी का वही शुरुआत वाला सीन दिखा जाता है, जहाँ राधा तिरुपति का सर लेकर पुलिस स्टेशन आती है। और यहीं पर दोस्तों ये कहानी खत्म। बाकी दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।